भगवान की जय हो। द्वारा अपने गुरु का अपमान होता है, इंद्र के द्वारा उनसे भी अपराध हुआ, शाप भी लगा, गुरु जी छोड़ करके चले गए। इंद्र ने किया क्या? अरे गुरु जी चले गए, अब क्या, कहां तक मनाएंगे, अब चले गए दूसरे गुरु जी, दूसरे गुरु जी बुला लिए। त्वष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप को बुला लिया, विश्वरूप ने इनको नारायण कवच पहना दिया, आहुति दे रहे हैं। अब वो गुरु जी तो गुरु जी थे, वो तो छोटी छोटी गलतियों को भी क्षमा कर देते, अपराध बड़ा बन गया तो दे दिया शाप। लेकिन इसमें भी अक्कल नहीं आई शाप के बाद भी, दूसरे गुरुजी, अब दूसरे गुरुजी आएंगे तो दूसरे गुरुजी दूसरे के लिए सोचेंगे कि तुम्हारे लिए सोचेंगे, तो दूसरे के लिए सोचेंगे। उन्होंने क्या किया, अब गुरु जी तो हम बन गए तो थोड़ा थोड़ा इनका भी करें, लेकिन जो हमारे वाले उनका भी ज्यादा फायदा करें। जैसे अगर इन ब्राह्मणों में से, सब चीज छोड़ो, इन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, इन ब्राह्मणों को सबको बैठा करके और दो चार पांच को कह दिया जाए,
इन ब्राह्मणों को आप ही जिमाओ। आपको सत्य सत्य कहता हूं, जिनकी आपस में बड़ी साठ गांठ होगी उसकी मैं मना करने के बाद भी डाल देंगे, बिल्कुल डालेंगे। अबे क्या हो गए? अरे यार बहुत हो गए। अरे खा लेना। साठ गांठ वालों के लिए होता नहीं होता। अब जिससे नहीं बनेगी उसकी ओर घूमेंगे भी नहीं, उस उधर जाएंगे भी नहीं, और अगर मजबूरी होगी चले गए तो चले गए, देखेंगे भी नहीं जल्दी से। भाव भाव ये कि गुरु गुरु होता है, गुरु एक होता है, दस नहीं होते। पर आप सोचो एक गुरु चले तो दूसरा, तो दूसरा आएगा तो दूसरे के लिए ही सोचेगा। त्रष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप ने भी वही किया। राक्षसों के भी आचार्य हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा बहुत, नाना मामा इनके भी रिश्तेदार है, राक्षस है, इनको भी आहुति दे रहे हैं। इंद्र ने भाप लिया, समझाया, नहीं माने। अरे हम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इंद्र ने अंत में गर्दन काटी, गर्दन काटी तो ब्रह्म हत्या तैयार हो गई। ये ब्रह्म हत्या चार भागों में बांटी है, वृक्ष, नदी, भूमि, धरती और स्त्री, ये चार भागों में ब्रह्मत्या बांटी। नदी की ब्रह्मत्या सफेद झाग, पेड़ की ब्रह्मत्या उसमें जो गोंद निकलता है वो, धरती की ब्रह्मत्या बंजर भूमि, और स्त्री की ब्रह्मत्या मासिक धर्म। त्वष्टा सूर्य को जब पता लगा मेरे पुत्र को समाप्त कर दिया इंद्र ने, तो उसने एक यज्ञ किया, मंत्र पढ़ा, आहुति दी, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे। लेकिन पुत्र उत्पन्न हुआ जो इंद्र के हाथों मरे। एक अक्षर बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। वृत्तासुर ये मरे नहीं इंद्र से, बड़ा विशाल शरीर इसका, इंद्र के बाणों को ही खा जावे। अंत में इंद्र भागा भागा भगवान के पास आया। भगवान ने कहा दधीचि मुनि की हड्डियों का वज्र बनाओ, उनकी हड्डियों में शक्ति है, दधीचि मुनि की हड्डियों में। बोले कैसे शक्ति है, ये शक्ति आई कहां से? देवता एक बार असुरक्षित देवता वो ऋषि दधीचि के पास गए हैं और बड़े बड़े दिव्यास्त्र ऋषि दधीचि को दिए हैं, दधीचि मुनि, और कहा महाराज इसकी सुरक्षा आप करिए, ये आपको देकर जा रहे हैं। दधीचि मुनि ने एक दिन विचार किया कि मैं समाधिस्थ हो गया और कोई दुष्ट के हाथ ही अस्त्र शस्त्र लग गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, करें क्या? अपने हाथ में सारे अस्त्र शस्त्रों का संधान करके इसको जल बना लिया, पानी, और पी गए। दिव्य दिव्य अस्त्र दिव्यास्त्रों को जल करने, लिक्विड करके जब पी लिया तो शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र से भी कठोर हो। और दधीचि मुनि के पास में आए हैं, ये स्थान कौन सा है जानते हैं? दधीचि मुनि तपस्या कर रहे थे, ये नैमिषारण्य के पास में स्थान है, वहां पर गए हैं। उस स्थान का दर्शन दास ने अभी किया था, गए थे वहीं पर, एक सरोवर टाइप का भी था बना हुआ। वहीं दधीचि मुनि से देवताओं ने प्रार्थना करी कि महाराज आप मर जाएं, शरीर छोड़ दें, हड्डियां हमें चाहिए। बोले परोपकार के लिए शरीर छोड़ तो देंगे लेकिन तीर्थ में स्नान करना चाहते हैं। तो सारे तीर्थों का आह्वान किया और आह्वान करके एक कुंड सरोवर निर्माण हुआ, वो आज भी सरोवर है, सारे तीर्थों का जल उसमें मिला हुआ है। दधीचि मुनि ने उसमें स्नान किया है और प्राणायाम करके प्राण त्यागे और उनकी हड्डियों का वज्र बनाया। इस वज्र से वृत्तासुर की मृत्यु हुई, लेकिन मरने से पहले भी वृत्तासुर ने भगवान की चार श्लोकों में स्तुति कर ली है, मरने से पहले। अब महाराज ये स्तोत्र एक श्लोक कह दू, उसके बाद एक कहूं, मैं एक ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। बड़ी अच्छी स्तुति है हम सबके लिए। धर्म क्या है, मानव जीवन का धर्म क्या है, बस वो अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भविदासि भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। मेरा धर्म क्या है, अहम हरे तव पादैक मूल, मैं आपके चरणों का दासानुदासो भवितास्मि भूयः,
मैं आपके चरण कमलों के चरण कमल के जो दास हैं उनके भी दास हैं, उनके भी दासों का जो दास है वो मैं हूं। ये जीवन का धर्म है कि हम तो भगवान के दास हैं, दास नहीं भगवान के दासों के दासों के भी दास। अहम हरे तव पादई कमूल दासान उदासो भवितास विभूय। अब मेरा धर्म तो मैंने बताया मैं कौन, और मेरे मन का धर्म मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते, आपके गुणों को गान करने वाला मेरा मन, ये आपके गुणों का दास है। और अंत में ये वाणी आपका गुणगान कर रही है, ये वाणी भी आपकी सेविका है, ये वाणी भी आपके लिए है। और जो कर्म कर रहे हैं इस शरीर से वह सारे कर्म भी केवल आपको ही समर्पित है। ये जीवन का धर्म होना चाहिए। चौका में भोजन बनाओ माताओं, मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, मेरा पति पाएगा, इस भावना से नहीं, मेरे घर का मालिक लड्डू गोपाल ठाकुर सांवरिया बैठा हुआ वो पाएगा, इस भावना से बनाना शुरू कर। तुम्हारा चौका तुम्हारा देवालय बन जाएगा, तुम्हारा घर तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा, जहां जाओगे वहीं पर महकोगे। और उसके बाद पूछा कि महाराज राक्षस होकर भगवान की स्तुति करी कैसे करी, बोले पूर्व जन्म में, ये पूर्व जन्म प्री बर्थ। अब आज के समय प्री बर्थ कोई नहीं मानता जा रहा था, प्री बर्थ और रीबर्थ, पूर्व जन्म में ये चित्र केतु गंधर्व था। अच्छा बताओ, हु डज नॉट बिलीव इन, हु डोंट बिलीव इन प्री बर्थ, कौन विश्वास नहीं करता पुनर्जन्म में, वो हाथ ऊपर करो एक बार, कोई है यहां पर? अच्छा पुनर्जन्म में कौन कौन विश्वास करता है वो हाथ ऊपर करो। हमारी एक चीज समझ में आ गई, कुछ लोगों ने पहले जब हमने कहा कि पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता है हाथ ऊपर करो, उन्होंने कुछ ने हाथ ऊपर किए, कौन नहीं करता है वो हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया। अरे तो जो बाकी बचे हुए वो किस किस पार्टी के हैं, ये बिचौलिया मत बनो। अब जब विश्वास नहीं है तो नहीं। एक आदमी वो दुनिया बोलता था, अरे हम जब किसी मंच पर चढ़ते हैं महाराज, जब बोलने पर आते हैं तो छक्के छुड़ा देते हैं अच्छे अच्छों के जब मंच पर चढ़ते हैं। अच्छा हाँ, हमारी एंकरिंग हमारा वक्तव्य तो अद्भुत है, हम जल्दी करते नहीं कहीं पर। एक दिन एक मंच का संचालन करने का समय आया, संचालक नहीं आया, तो कहा भाई किसको बुलाए, बोले अरे यार वो धनिया को बुला ले, वो धनिया बहुत बढ़िया एंकरिंग करता है। बोले तूने सुनी है, अरे नहीं नहीं जब जब बैठा जब मैं ऐसा बोलता हूं। ट्राई कर ले, संचालक नहीं है तो किसी को बुलाना पड़ेगा, धनिया को बुलाया, धनिया से हाँ मंच पर आपको कुछ बोलना है, वक्तव्य थीम बता दी। अब आया ऊपर, कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। आप समझ तो रहे सर, समझ तो गए, जब समझ ही गए तो मेरे बोलने का मतलब ही क्या रहा, मैं मंच से नीचे उतरता हूं। ऐसा कहकर के नीचे उतर गए, तो कहा महाराज ये आपने क्या कहा, बोले सब समझ गया, बोलने की दरकार, समझदारों से क्या कहना। तो कहा बड़े चतुर निकले तो बोलने में, बोले दोबारा बुलाओ धनिया सेठ को। अब लोगों ने कहा इनका वक्तव्य कुछ तो सुने, तो लोगों ने कहा अब ये कहेगा समझ गए तो हम कहेंगे नहीं समझे। तो मंच पर चढ़े, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पहले भी मंच पर आया, दूसरी बार फिर मंच पर आया, मैं जो कुछ कहना चाह, आप मेरी भाषा समझ तो रहे हैं? तो कहा नहीं समझ रहे। तो कहा जब पहली बार में नहीं समझ रहे, दूसरी बार में भी नहीं समझ रहे, तो फिर कहने से फायदा क्या, मैं नीचे उतरा। नीचे उतर के बड़ा चतुर निकला महाराज, तीसरी बार फिर धनिया को बुलाया, धनिया ऊपर आ भैया, फिर आए। अब लोगों ने कहा सुनो, आधे लोग कहना समझ गए, आधे लोग कहना नहीं समझे, ठीक। फिर कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप लोग समझ तो रहे हो? तो आधों ने कहा नहीं समझ रहे, आधों ने कहा समझ गए। तो कहा जो समझ गए वो ना समझने वालों को समझा दे, मेरा मतलब ही नहीं है यहां पर कुछ कहने का। ये भाव
कि भैया अगर पुनर्जन्म के बारे में नहीं समझे हो तो कहने से कोई लाभ नहीं, और समझ गए हो तो मेरे कहने का कोई मतलब नहीं, और कुछ लोग समझे हो उन न समझने वालों को समझा दे तो भी पुनर्जन्म के ऊपर कोई डिस्कशन यहां पर नहीं होगा। नारायण, ये तो जब बैठेंगे तभी करेंगे डिस्कशन। चित्र केतु गंधर्व अगले जन्म में पार्वती माता का शाप लगने के कारण यह राक्षस बना, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इसने भगवान की आराधना करी मरने से पहले। ये 49 मरुद्गण कहलाए। सुंदरकांड जो पाठ करते हैं वो जानते हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी कर जा अभी बड़ लाग अका। ही 49 मरुद्गण। और इसके बाद में अब एक प्रसंग सुनाकर वाणी को विश्राम। प्रहलाद चरित्र, भक्त प्रहलाद, इनका चरित्र कैसा? राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, भगवान एक बात तो बताएं, भगवान समदर्शी हैं। पाली ने भी तो यही कहा, समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ। भगवान समदर्शी हैं तो एक बात बताएं, भगवान की दृष्टि सबके प्रति बराबर है तो किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय क्यों करते? तो कहा, राजन भगवान कभी अन्याय नहीं करते, भगवान सब पर कृपा ही करते हैं, न्याय ही करते हैं। अगर न्याय भगवान कर रहे होते तो देवताओं को हर बार बचाते हैं और राक्षसों को हर बार मारते हैं क्यों? बोले तुम्हें दिख रहा है कि राक्षसों को मारते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि यह है कि राक्षसों को मारते नहीं है, तारते हैं। इसको दूसरी दृष्टि से लो, देखो आप खरबूजे के ऊपर चाकू मार दो तो भी, और चाकू के ऊपर खरबूजा मार दो तो भी, कटना खरबूजे का निश्चित है। भगवान से आप कैसी भी जुड़ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि को प्यार से मुंह में रखो या गुस्से में मुंह में रखो, अग्नि जलाएगी कि नहीं जलाएगी? भगवान से आप कैसी भी जुड़ जाओ, श्रद्धा से जुड़ जाओ तो, और अश्रद्धा से जुड़ जाओ तो और कुभाव से जुड़ जाओ तो, जैसे चाहो जुड़ो, लेकिन जुड़ो भगवान से। प्रेम करना ही अगर तुम्हारी फितरत है तो प्रेम फिर उससे क्यों ना करो जो प्रेम करने योग्य है। शिवकरण पांडे जी गुरु जी, वो बड़े प्रेम से कहते, महाराज कहीं किसी को कुछ दो मत दो, लेकिन ब्राह्मणों को चकाचक, ऐसे ही बोलते, चकाचक खूब ब्राह्मणों को देना चाहिए। भगवान का अवतार भी विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया उनको पार। इस प्रसंग को चलते हैं लेकर के और विश्राम की ओर जल्दी अभी प्रारंभ कर रहे हैं। एक हिरण्याक्ष दैत्य हुआ, एक हिरण्यकशिपु हुआ। हिरण्याक्ष का वध हो चुका है, हिरण्यकशिपु के वध की तैयारी है। मैंने कल ही कह दिया था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को लेकर के एक है लालच और दूसरा है लोभ। हिरण्यकशिपु लोभ है, लालच मर चुका है, लोभ का मरना बाकी है। दुनिया की संपत्ति लेना ही लालच है, और अपने पास आई हुई संपत्ति न देना ये लोभ है। इसलिए आज मैंने कहा कि हो तो दो, लोभ मत करो। क्यों? ये हमारे पास जो कुछ भी आता है
ये पास करने को आता है, पास रखने को नहीं आता। हिरण्यकश्यपु कभी नहीं चाहता कि मेरे पास से कोई भी चला जाए भगवान के पास। भगवान के पास का भाव कि मेरे में उसकी भक्ति हो, मेरे कहे अनुसार चले, वो कृष्ण की भक्ति ना करे वो मेरी भक्ति करे, वो राम की भक्ति ना करे वो मेरी करे, ये मेरा हो, मेरा बन के रहे। हिरण्यकश्यपु यही चाहता है। तपस्या करने ब्रह्मा की गया है, इसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। ये जब तपस्या करने जा रहा था तो मन में भावना क्या थी कि मेरे भाई को जिसने मारा है उसको मारने का बल अपने अंदर लेकर आऊंगा। तो भावना भगवान की थी मारने की, तो भगवान की भावना रखे हुए जब रात्रि में गर्भाधान करके अगले दिन चला है, तो गर्भ में भगवान के परम भागवत भक्त प्रहलाद ने प्रवेश कर लिया है। और ये जब तपस्या करने गया है तब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त इसने किया है। ये वरदान कौन कौन से प्राप्त किए? धरती पे न मरूं, आकाश में ना मरूं, 12 महीने में कभी मेरी मृत्यु ना हो, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। अस्त्र शस्त्र है क्या? एक है जो हाथ में लेकर लड़ा जाता है और एक है जो फेंक करके लड़ा जाता है, अस्त्र और शस्त्र। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से ना मरूं, न मरूं और न मैं जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न सजीव से मरूं, न निर्जीव से मरूं, न 12 महीने में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ये सारे वरदान इसने पाए थे। और एक वरदान और, ब्रह्मा की सृष्टि में मेरी मृत्यु किसी से ना हो, ये भी पा लिया। और तो कुछ रह गया क्या? दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, सब मांग लिए। और फिर कहा कि ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन हो। अब यहां तो कूलर इतने चल रहे हैं गर्मी के कारण, तो कई बार आवाज भी कटती है, लेकिन अगर यहां पर हिरण्यकश्यपु का राज्य होता तो कहता ए जेठ का महीने की गर्मी हटो और माघ की ठंडी आ जावे। ऋतुओं के धर्म इसके अधीन थे। कहे सूरज देवता फीके हो, चलो वर्षा, इंद्र वर्षा करो, तो वर्षा हो जाती थी। ये हिरण्यकश्यपु को सिद्धि। फिर भी हिरण्यकश्यपु मरेगा ये ब्रह्मा ने कह दिया। ये आया लौट करके पाप अत्याचार बल पा करके बल का दुरुपयोग करने लगा। देखो बलवान कौन है। एक बार दंगल हो रहा था, एक पहलवान ने दूसरे को नीचे पटक दिया, नीचे पटक दिया तो उसने हार मान ली। लेकिन जो नीचे पटकने वाला था उसको खुन्नस थी, तो नीचे पड़े हुए को भी बार बार मार रहा था। तो दो व्यक्ति निकल के जा रहे थे, एक बुद्धिजीवी था, उसने कहा जानते हो इन दोनों में बलवान कौन है? वो आया रेफरी, उसने तुरंत उठाया, अरे मर जाएगा ये, उठो, हटा के ले गया। तो कहा दोनों में बलवान कौन था जानते हो? अरे वही था नीले फीते वाला जिसने पटक दिया एक बार में नीचे। बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा नहीं। बोले फिर तो जो गिर गया था वो बलवान था? बोले नहीं, बलवान कौन था? बलवान वो रेफरी था। क्यों? खड़े हुए को जो गिरा दे वो बलवान नहीं है, बल्कि गिरे हुए को जो उठा करके खड़ा कर दे दुनिया में वो बलवान है। गिराने की तो आदत है, एक टंगड़ी मारो गिर जाएगा, लेकिन जो गिरे हुए व्यक्ति को उठा दे वास्तविकता में वही बलवान है। दीन दुखियों को अगर सामर्थ्य है तो रोजगार देकर के उनकी जीविका चल जाए, सामर्थ्य नहीं है तो अगर भोजन भी करा सको, जितनी सामर्थ्य है सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो, वो जीवन में बलवान है। हिरण्यकश्यपु ने पाप अत्याचार किए, समय बीता, कयादु के गर्भ से 4 बालकों ने जन्म लिया, राध, अनुराध, सरराध और प्रहराध। प्रहराध कहो या प्रहराध कहो, एक ही बात है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय कहा। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। और महाराज प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो बाल्यकाल से ही प्रहलाद जी की रुचि भगवान में थी, बचपन से। तो किसी ने पूछा
कि इनमें ये रुचि कहां से आ गई, तो कहा आगे चल करके बताएंगे कि मेरे गुरुजी नारद जी हैं। नारद जी गुरुजी हैं? बोले हां। बोले कैसे? मैं मां के पेट में था, मेरे पिता तपस्या करने गए थे, तब देवराज इंद्र ने मेरी मां का हरण कर लिया, मारना चाहते थे मेरी मां को, कयाधु को, नारद जी ने बचा लिया, अपने आश्रम लेकर के आ गए, सुंदर सुंदर कथाएं मेरी मां को भगवान की सुनाई, गर्भ में बैठा हुआ मैं उन कथाओं को सुनता रहा और भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो गया। भगवान की कथा सुनने से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। देखो, इसलिए भगवान की कथा है कि उनके चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए। अब इसी टेक्नोलॉजी पर, इसी को साइंस मान करके, अब मैं उसका नाम भूल गया हूं, साइंस से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन आजकल गर्भ में जो बेबी है उसको गर्भ के अंदर ही शिक्षित करने की एक प्रणाली चल रही है। इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये कहां से आई टेक्नोलॉजी, कहां से टेक्निक आई? अभिमन्यु ने भी सीखा था, प्रहलाद जी ने भी गर्भ में सीखा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम गर्भ में बैठे हुए बच्चों को इतना सिखा देंगे कि जब वो बाहर निकल के आएंगे तो अक्षरों का ज्ञान भी उनको हो जाएगा, अल्फाबेट का ज्ञान उन्हें हो जाएगा। हमारा विज्ञान कितना आधुनिक है कि उस पर रिसर्च आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर हमारा विज्ञान पुराना होता, ओल्ड वर्जन होता, तो आज की मॉडर्न साइंस उस पर रिसर्च कर रही होती। वो इतना अपडेटेड है कि आज के वैज्ञानिक वहां तक अपडेट होना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां तक अपडेट होना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं का मतलब अभी तक हम वहां नहीं हैं, तभी तो वहां जाना चाहते हैं। तो वो विज्ञान, और आज के विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर। प्रहलाद जी जब बैठते तो गोविंद परिरम्यतः, मैं गोविंद की गोद में बैठा हुआ हूं। इनको तो एक ग्रह ने पकड़ लिया है। सूरज, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे के सारे ग्रह हैं कि नहीं? एक ग्रह और है नव ग्रहों से ऊपर, उस ग्रह का नाम है अनुग्रह, कृष्ण ग्रह। प्रहलाद जी को तो कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। और जिसको कृष्ण ग्रह पकड़ ले, नवग्रह बेचारे उसका क्या बिगाड़ेंगे। कुंडलियों में ग्रह होते हैं, लेकिन किसी का ग्रह बिगड़ जावे तो बड़ी चिंता हो जाती है। लेकिन जिसको भगवान के चरणों का अनुग्रह हो गया है प्राप्त, उसको कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा हा, एक 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 काशी नरेश, उसके जीवन में विपत्ति आई, कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई, ज्योतिषियों ने कहा महाराज आपकी स्थिति ऐसी, आप जिंदा कैसे हो? बोले क्यों? बोले आपके तो 9 के 9 ग्रह आपके प्रतिकूल हो गए। तुलसीदास जी के पास में काशी के राजा आए, सारी बात बताई, काशी के राजा को पत्र लिख करके भेजा, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तीरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज भौम सोम अरु प्रभु सुत बुध अरु गुरु परदायक तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। नवग्रहों के नाम है, सूरज भौम सोम अरु भृगु सुत बुध अरु गुरु परदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता और शनि चर होत उचिरो,
कौन गिनात सहाय करे जब कौन बिगाड़ सकता है। नारायण उसके पश्चात में प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए हैं, तीनों भैया भी पढ़ने के लिए गए हैं, चारों राजकुमार राजा के लड़का हैं। तीन भाई इन्हें कौन सी पाठशाला में है, दैत्य हितकारिणी पाठशाला, यहाँ केवल दैत्यों का हित होता है। उसके बाद में महाराज तीन महीने बीतने पर जब आए, राजा हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बैठाया, कहा प्रहलाद क्या सीख कर आए। बोले पिताजी अपने मन की कि आपके मन की। बोले जो सीखा वो बताओ। बोले पिताजी मैंने यही सीखा है, मैं और मेरे की भावना का त्याग करके भगवान हरि का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, उठाकर फेंक दिया। दैत्य गुरुओं क्या सिखाया इसके लिए, यही सिलेबस में रखा है आपने, सिलेबस चेंज करो, दंड नीति कूट नीति भेद नीति राजनीति सब सिखाओ, लेकिन विष्णु की भक्ति मत सिखाओ। महाराज हमने नहीं सिखाया, ले जाओ मेरे सामने से। लेकर के आए प्रहलाद को, कहा प्रहलाद ये सब कौन ने सिखाया। बोले लोहा अपने आप चुंबक के पास खींचा चला जाता है, मेरा चित्त अपने आप ठाकुर गोविंद देव जी में खींचा चला जा रहा है, मैं करूं ठाकुर जी में खींचा जा रहा है। बोले नाम लेना छोड़ दे, नहीं छोड़ पाऊंगा। डंडा लेकर आए मारने को, प्रहलाद ने मस्तक नीचे कर दिया, ऐसे कोमल बालक पर कौन मारे, कौन प्रहार करे। महाराज एक छोटी कथा, बोध कथा, ये हमारे पुराने जनों ने तो सबने सुनी है, नए लोगों ने नहीं सुनी वो भी सुन ले। एक आर्य समाजी स्कूल था, विद्यालय। आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं होती, क्योंकि हमारे गोविंद देव जी के प्रतिनिधि ने कुछ पढ़ा है, उनको बताना हमारे लिए जरूरी है। आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं होती, पर हमारे यहां गोविंद देव जी में मूर्ति पूजा भी हो रही है और जगह भी होती है। तो हर जगह एक प्रार्थना होती थी, आपने भी सुनी होगी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लेकिन आर्य समाजी में स्कूल में प्रार्थना दूसरी होती थी, कौन सी, अजब हैरान हूं भगवान, मूर्ति तो रखते नहीं थे, अजब हैरान हूं भगवान तो मैं कैसे मनाऊं मैं, क्यों तुम्ही हो व्याप्त मूर्त में, तुम्ही हो व्याप्त फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, मूर्ति में भी भगवान फूलों में भी भगवान, तो भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना, इसलिए न मूर्ति न फूल। एक मारवाड़ी का बच्चा था, वो नहीं बोलता था, मारवाड़ी का बच्चा इस प्रार्थना को नहीं बोलता था। रामदास के पास आए गुरुजी, रामदास क्यों नहीं बोलता। बोले गुरुजी मेरे यहां मूर्ति पूजा होती है, मैं कैसे बोल दूं। बोले गुरुकुल का नियम है, स्कूल का बोलना पड़ेगा। गुरुजी मैं नहीं बोलूंगा। डंडा लेकर मास्टर मारने आए, लड़के ने कहा गुरुजी पहले मेरी बात सुनिए। बोले क्या, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम ही हो व्याप्त डंडे में, तुम ही हो व्याप्त शिष्यन में, भला भगवान को भगवान से कैसे पिटाऊं। गुरुजी बड़े लज्जित हुए, कुर्सी पे जाके बैठने लगे। रामदास ने जाके कुर्सी खिसका दी, गुरुजी की खपड़िया फूटी। रामदास बोले गुरुजी अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम ही हो व्याप्त कुर्सी में, तुम ही हो व्याप्त मास्टर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं। और मूर्ति पूजा क्यों, जब भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति में ही क्यों। तो सुनिए, हवा में ऑक्सीजन सर्वत्र है, ठीक, और H2O वाटर पानी है या नहीं हवा में, और हवा में पानी सर्वत्र है, फिर भी आप क्या हवा में पानी पीते हो। पानी पीने के लिए आपको पात्र चाहिए और पानी का वो फॉर्म चाहिए, लिक्विड, जिसमें आप पी सको। तो ऐसे ही भैया भगवान भले ही सारे संसार में सर्वत्र हो, लेकिन पूजन अर्चन करने के लिए ठाकुर जी का विग्रह मूर्ति भी चाहिए हमारे लिए, इसलिए आवश्यक है। कलौ वर्चाया, एक बार ही बोला आप लोगों ने, हम तीन बार बोल रखे हैं। और अब लेकर के प्रहलाद को आए, प्रहलाद जी बोले बेटा क्या सीखा। बोले पिताजी नौ विद्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासनम संख्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति सुनाई। प्रहलाद को फेंक दिया नीचे, राक्षसों को आज्ञा दी थी मार दो। अब इतनी विपत्ति पड़ रही है, मैं इसको भी संक्षिप्त में कहूंगा,
विपत्ति इतनी पड़ रही है प्रहलाद के ऊपर, लेकिन प्रहलाद नाम लेना नहीं छोड़ते। अरे चाहे कुछ हो जाए उम्र भर, चाहे कुछ हो जाए उम्र भर, तुम्ही को प्यारे प्यार करेंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर, तुम्ही को प्यारे प्यार करेंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर, तुम्ही को प्यारे प्यार करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए उम्र भर, तुम्ही को प्यार पहाड़ पर पांव पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, फेंक देंगे प्रहलाद तेरे लिए, नाम लेना छोड़ दे। लेकिन नाम लेना छोड़ा नहीं, नाम लेना छोड़ा नहीं, फेंक दिया प्रहलाद को ऊपर से नीचे, पहाड़ से नीचे गिरते प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में सहारा दे दिया। प्रहलाद तेरी पहली परीक्षा है, डरना नहीं, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है। राक्षस आए देखे मर गया होगा, लेकिन प्रहलाद उसी मंडारायण नारायण की आदत मुझे है, सारे डंक अपने ऊपर लूंगा, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा,
क्या नहीं किया, अग्नि तक में जलाया, हुंडा राक्षसी जल गई, प्रहलाद बच गया, दूध उसमें विष भर के दे दिया। पत्नी कह रही है बालक अपना है, अपने हाथ से जहर दे रहे हो, हत्यालक पीस के लिए, दूध में भी मानो भगवान दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद पूतना के जहर पीने की आदत है, डोंट वरी बी रिलैक्स, जहर में पी जाऊंगा, दूध तो पी जाना, पी कर नीलाम मुझे श्यामल कोमल अंगम दर्शन मिला, भूखा रखा काल कोठरी में डाल दिया, कोई खिलावे नहीं, वैकुंठ से हीरे जड़े हुए सोने की थाली को लेकर ठाकुर आ गए और ठाकुर ने अंदर काल कोठरी में प्रहलाद को भोजन करा दिया। अनेक प्रयास किए और तो और हाथी के सामने पटक दिया, मदिरा पिलाकर हाथी को, महावत ऊपर चढ़ाए कि हाथी पांव रख दे, हाथी के मस्तक पर डंडा मारे, हाथी चिंगाड़ मारता है, अंकुश लगाया, खून निकलने लगा हाथी के, हाथी चिंगाड़ मारे, फिर पैर आगे नहीं पीछे रखे, क्यों, हमारी जाति पर ऋण चला आ रहा है, भगवान ने गजराज की रक्षा करी थी, आज भक्तराज की रक्षा करके हम भगवान की जाति के ऋण से और ऋण हो जाए, लेकिन प्रहलाद के ऊपर पांव नहीं रखे। और महाराज एक दिन तो गुरुदेव आ गए, गुरुदेव ने कहा महाराज हमारे को एक बार दे दो, हम समझा दें, लेकर आए पाठशाला में, गुरुजी एक दिन अनुपस्थित थे, प्रहलाद ने सोचा गुरुजी नहीं है तो क्यों ना हम ही गुरुजी बन जाए, अरे भैया ये जगत गुरु का बच्चा है, भगवान का बच्चा, अगर भगवान उपदेश कर सकते हैं तो भगवान का बच्चा भी अगर उपदेशक बन जावे तो कौन बड़ी बात है। अरे महाराज हमारे तो चेले भी उपदेशक बन जाते हैं आजकल, हाँ कई बार हमने देखा, एक बार संबंध जुड़ जाए और थोड़ी बहुत कथा क्या सुन ली, फिर तो महाराज वही कथावाचक बन जाते, हम ही सुन लेते तुम्हारी कथा को, सुना हमने, हाँ कुछ चेले ऐसे हमारे वही बोलते हैं, तुम ये कथा तो हम नहीं कर सकते, प्रहलाद ने सोचा हम ही बन जाए, सबको बुलाया, अरे भैया आओ, राजा का बेटा कौन नहीं आवे, सबके सब आ गए, बोले सुनो भैया भगवान की भक्ति करो, 5 साल की अवस्था से प्रारंभ कर दो, कौमार आचरित प्राप्यो कौमार अवस्था 5 साल, भगवान का भजन किस अवस्था से करना चाहिए, बोले 5 साल की अवस्था से। आजकल के बच्चे अगर कहते हैं मम्मा हम कथा में नहीं बैठ सकते, ठीक है बेटा थोड़ी देर ही बैठ जाना, हम कहें अरे बच्चों को कथा में बैठाओ, आजकल के बच्चे नहीं बैठते भैया, समझो बात, आजकल के बच्चे नहीं बैठते, तुमने उनको इतनी छूट इतना फ्रीडम दे दिया कि उन्हें सत्संग ही प्राप्त नहीं हो पा रहा। कल हमसे एक बात पूछी कि बच्चों को कैसे विश्वास दिलाएं कि भगवान है, हमने कहा पहले खुद विश्वास पालो कि भगवान है, अगर खुद को विश्वास है कि भगवान है तो दुनिया को विश्वास दिला सकते हो। ये बुझे हुए दीपक कैसे जलाएं, बोले पहले अपने मन का दीपक जला लो, तो फिर जहां जहां जाओगे वहां बुझे हुए दीपक भी जल करके प्रज्वलित हो जाएंगे, प्रकाश करते। प्रहलाद ने उपदेश किया ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिल भी गया तो गारंटी नहीं है कि कब तक रहेगा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल की जो सांसों की हवा है निकल बहेगी, कोई गारंटी नहीं, क्यों कली काल कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट छिली न छिली, अब वीर ले हरि नाम रसना, फिर अंत समय पहली, नारायण प्यारो नारायण। प्रहलाद हमने तो सुना है कि भगवान का भजन बुढ़ापे में करना चाहिए, कौन कह रहा था, बोले बनिया कह रहे थे, कुछ मारवाड़ी लोग कह रहे थे कि
ये भगवान का भजन तो बुढ़ापे में किया, कुछ पढ़े लिखे मॉडर्न लोग कह रहे थे ये भगवान का भजन करने की कोई उम्र थोड़ी ही है, बुढ़ापे में करेंगे। हाँ एक बात देखो, जन्म जन्म मुनि जतन करानी अन्नते दाम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन करानी अन्नते दाम कहीं आवत नाही। अंत में भगवान याद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंत में वो ही याद आएगा जो जीवन भर किया। एक बूढ़ा मर रहा था मारवाड़ी, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है भाई मेरे। हाँ मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है, मर रहा था। बच्चों ने कहा जीवन भर इसने भजन नहीं किया, तो पंडितों को बुला लिया, काशी से अयोध्या से वृंदावन से सब आ गए, खूब भजन कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम गोपाल सहस्त्रनाम नाम जप कर रहे हैं, एक महीना तक किया। बच्चों ने पूछा बाबूजी आप आंख बंद करके रोते रहते हो, भगवान दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोले बेटा क्या बताऊं, जब ये सब सुन करके आंख बंद करता हूं भगवान को देखना चाहता हूं, लेकिन अपने आप को कपड़ा खरीदता हुआ बाजार में पाता हूं, क्योंकि जीवन भर कपड़े का ही व्यापार किया था। तो जो जीवन भर किया अंतिम क्षण में वही सामने आएगा। और एक बात और, नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला। हमारी ये शिष्या है ना पुरानी, इसको देखना बंद हो गया आज का, बेचारी देखती रहती है नंबर ही। ये उम्र है अभी से, बुढ़ापे के लक्षण दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग गए देखो। नाक ते बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी के पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र क्या, बड़े बड़े भूखते रहोगे पिंडदानी में। बुढ़ापे में तुम क्या भगवान नाम को उठाओगे वाणी पर? उस समय तुम्हारे देह को लोग उठाएंगे, खड़े नहीं हो पाओगे, लोग कहेंगे बाबूजी उठो, उठ नहीं पाओगे तो चार लोग मिलकर उठाएंगे। शक्ति ना रहेगी जब जब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बंद पानी, अतः योग योग कर तू, योग से योग कर, कर लो भजन भगवान का जवानी ने, कर लो भजन भगवान का भजन। I'm not afraid.
सबका सब घोटाला। अरे प्रहलाद, तूने अपना अमंगल किया, पूरी तरह से अमंगल किया, तूने अपना अकल्याण किया, लेकिन इनका कल्याण क्यों किया? प्रहलाद कहते हैं, गुरुजी मैंने अपना भी कल्याण किया और गोविंद देव जी की गोद में बैठे हुए आज इन बच्चों का भी कल्याण कर दिया है। कम से कम भगवान नाम तो वाणी पे आ रहा है। और महाराज लेकर के आए हिरण्यकश्यप के पास कि महाराज हम नहीं संभाल सकते, आप संभालो। हिरण्यकश्यप आया, हे प्रहलाद जी, पिताजी कौन बचाता है तुझको? भगवान, सबका एक ही रखवाला भगवान। कहां रहता है भगवान? सब जगह है, इस खंभे में भी है। हाँ पिताजी है ना, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? पिताजी अभी देगा आपको भी, मुझे दे रहा है अभी आपको भी देगा। प्रहलाद जी खंभे के पास गए और जाकर के भक्त तेरे में पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तुल्यमालोकनम्। यदि मेरी भक्ति दृढ़ है, यदि वेदों में आपका प्रमाण है कि आप सर्वत्र हो, तो आज इस खंभे से प्रकट होइए। आज यदि आप नहीं आओगे तो कल से किसी कयादू की कोक से कोई प्रहलाद जन्म लेकर नहीं आएगा। आज आपको आना पड़ेगा। ये भक्ति की दृढ़ता देखिए, घर घर करके आवाज आज खंभे से। हिरण्यकश्यप आता है, मुष्टिका का प्रहार एक खंभे पर करता है। ये पाकिस्तान में है हिरण्यकश्यप मंदिर, है नरसिंह मंदिर आज भी है। एक प्रहार किया, खंभा फटा। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है आज। देवता पुष्पों की प्रति निरंकार करते हैं। नरसिंह भगवान की जय, नर हरि भगवान की जय। यस यस भाल गर्जमानो, गर्ज 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 भाल चंद्रा दर्शनो, व्योमो भूत व्याप्यमानो, जड़ 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 साध्यमान सना भी दशरा भी खादमान गर्जमानो सुरेन्द्र निष्क्रांतो हास्ययुक्तो सिंह। आज भगवान ने पकड़ा हाथ हिरण्यकश्यप का, हिरण्यकश्यप को छुड़ाकर भागता है। देवता देख रहे हैं कि भगवान में शक्ति कम, राक्षस में ज्यादा। बोले क्यों, एक बार पकड़ लिया भगवान ने तो भागा कैसे? भगवान तो बिल्ली चूहे का खेल खेले। देवता कह रहे हैं सवा सात मर के बज गए, मार मूर के खत्म करो जल्दी इसके। दौड़ करके आए भगवान नरसिंह ने उठाया हिरण्यकश्यप को यूं और अपनी जंघा गोद में। एक भाव से देखें तो ये हिरण्यकश्यप का सौभाग्य नहीं तो और क्या है। गोद में मरने वाले बहुत थे, लेकिन गोद में पूरी तरह से मरने की क्रिया हो रही है। आज भगवान के नाखून बढ़े, दशावतार में वर्णन है। तब कर कमल पड़े नख मद्भुत सिंहम, तब कर कमल पड़े नख मद्भुत सिंहम, दलित हिरण्यकशिप तनु भृंगम, दलित हिरण्यकशिप तनु भृंगम के सब धृत